बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार गुड़ का ना अपना ही जायका होता है। आप चॉकलेट खा लें, टॉफी खा लें, कुछ भी खा लें, गुड़ का अपना ही जायका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा। सबसे पहले डॉलर के मतलब की बात करेंगे। आपको पता है सैटरडे संडे स्टेट बैंक क्लोज होता है, स्टेट बैंक की तरफ से तो कन्फर्म नहीं किया जाता है, लेकिन आप नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और वो नेट का रेट जो आज का आपको साथ में दिखा रहा हूँ 277.81 हो चुका है, 278 रुपये के करीब बोल रहे हैं आप। ओपन मार्केट की तो बात छोड़ दें यार, अगर रियल रेट के मतलब बात करें तो आज का जो नेट का रेट रियल रेट का भी शो हो रहा है वो 74 रुपये प्लस में शो हो रहा है। कल 73 रुपये कुछ पैसे था, आज 74 रुपये कुछ पैसे हो चुका है, आप साथ में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर कुछ भाई ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में अगर रियाल लाकर चेंज करवाएं तो ये बात अपने पल्ले बांध लीजिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त आपको अगर सऊदी अरेबिया में 72 या 73 मिल रहा है ना मुख्तलिफ बैंकों का रेट भी अभी आपको बताता हूँ मैं, तो पाकिस्तान में आपको 5-7 रुपये 10 रुपये तक उससे ज्यादा ही मिलने वाले हैं, कन्फर्म बात है, इतना फायदा होने वाला है। मिसाल के तौर पर एक वीडियो मैं चंद घंटे बाद ही शेयर कर दूंगा या कल शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको अभी रियाल भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए या कब तक भेजने चाहिए या जो भी सूरत हाल है, यानी कि आपको किस हिसाब से कितना फायदा होगा। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले एक चीज और बता दूंगी, वैसे ऐसा हाक डार साहब की तरफ से आप ये कहा गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी अकाउंटों में अपने जो आपके पास डॉलर हैं या रियाल हैं कोई भी करेंसी है तो पाकिस्तानी अकाउंटों में ट्रांसफर करें उसे, यानी कि पाकिस्तान में भेजें, पाकिस्तान की मुआशियत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान में भेजें। अभी मैं मुख्तलिफ वीडियोज में आपको बताता हूँ कि यार अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लें, आपको फायदा होगा। इससे मुराद ये नहीं होती है कि आप भेजें ही ना, यार आप जाहरी सी बात है घर की जरूरियात तो होती हैं, आपने भेजने तो है ही है। हाँ, अगर किसी बंदे के पास जायद पड़े हुए हैं तो वो मैं ये बोलता हूँ कि आपको फायदा हो, आपको फायदा इतना हो गया अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो, ये मैं बता देता हूँ, मैं रेट आपको बता देता हूँ। मैं बाकी वीडियो में थोड़ी तफसील आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो रियाल रेट के मतलब मैं बताऊंगा कि आपको भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। इस वक्त आप भेजेंगे तो आपको क्या है, बाद में भेजेंगे तो क्या है, वो तफसील आपको बताऊंगा। यकीनन आपको वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपको अच्छा खासा फायदा भी होगा। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर बात करें, सबसे पहले आज राजीव बैंक के मतलब की बात कर लेते हैं, इनका रेट आज का 71.83 हो चुका है 10.17.25 रियाल फीस के साथ है। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आपको 71.75 आज का रेट मिलेगा, 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। मनीग्राम की बात करें तो आपको 71.82 आज का रेट मिलेगा, 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। एएनबी बैंक की टेलीमनी की बात करें तो आपको 71.42 आज का रेट मिलेगा, 10-17 रियाल इनकी भी फीस होती है। एसटीसी पे की बात करें तो आपको 71.64 आज का रेट मिल जाएगा, 17 रियाल फीस इनकी भी होती है। बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक की बात करें तो आपको 71.74 आज का रेट मिल जाएगा, 10-17 रियाल फीस के साथ है। और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक आज का रेट दे रहा है 71.55 और इनकी भी 10-17.25 रियाल फीस होती है।